आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाजवादी पक्ष के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक आबू असीम आजमी ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना ये सिर्फ धर्म की राजनीति है। मैं नमन सिर्फ अल्लाह को करता हूं। हमारे देश का संविधान सभी को अपने मजहब पर चलने का अधिकार देता है। हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना ये सिर्फ धर्म की राजनीति है और मैं इसे कभी नहीं मानूंगा और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपना अपने मजहब पर चलने का पूरी इजाजत है। हर व्यक्ति को भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक इस देश में रहने की पूरी वो है, लेकिन ये लोग इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप किसी और के सामने सज्जा करो, नमन करो, तो मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मैं अपने मजहब को छोड़ दूँ क्या? मेरा मजहब कहता है कि जमीन और आसमान, सूरज और चांद, इंसान, सब कुछ बनाने वाला एक ही है, अल्लाह। इसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, अल्लाह के सामने ही सर झुका सकते हैं और किसी के सामने सर नहीं झुका सकते। सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। ये कहेंगे वंदे मातरम कहो, मैं क्यों कहूँ वंदे मातरम? मैं कह दूंगा अस्सलाम वालेकुम कहो, तो अस्सलाम वालेकुम मतलब क्या होता है? कि आप सलामत रहो, आप अच्छे रहो, खुश रहो। लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ऐसी चीज लाइए जो सबको, सारे मजहब, सारे धर्म के लोगों को एक्सेप्ट हो। ये लोग अगर ये कहते कि हम 2 अक्टूबर से गांधी जी की सोच पूरे देश में लागू करेंगे। गांधी जी जब एक बार बिहार जा रहे थे तो एक महिला के पास एक ही जोड़ा कपड़ा देखा उन्होंने, साड़ी, आधी साड़ी धुल करके आधी सोरी पहन देती। ये कहते हैं कि मैं गांधी जी की सोच को लागू करूंगा और इस देश में हर व्यक्ति के पास खाने, रोटी, कपड़ा और मकान ये सरकार दिलाएगी। कोई आदमी जो है परेशान नहीं रहेगा, कोई किसी को कोई इलाज के बगैर मरेगा नहीं, कोई भूख के बगैर मरेगा नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे छत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इसके हम जिंदाबाद करते और आगे बढ़ते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू करके इस देश को बांट देना चाहते हैं। मैं खुली इसकी मुखालफत करूंगा। ठीक है।